your Indian consumer. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रसाद विद्यापाठक, आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक इलेक्ट्रिक तवा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपको Amazon पे 600 रुपए का मिल जाएगा। मैं इसकी बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। बॉक्स के साइड पे अगर हम देखें तो पावर कंजम्पशन दिया गया है 350 वॉट्स। ये एक इलेक्ट्रिक स्टेनलेस स्टील पैन है जो कि नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आता है। बॉक्स के अंदर आपको ये चार पार्ट्स मिलेंगे, उसी के साथ आपको मिलेगा एक यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल अगर आप पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पैन को अगर हम करीबी से देख ले तो कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है, डिजाइन काफी अच्छी है। जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। हैंडल पे भी थोड़ा जोर लगाऊं तो टूट सकता है, ये तो इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। मुझे लगता है एक बार अगर मैं इसे गिरा दूं तो ये फूट भी जाएगा। जो बाकी प्लास्टिक पार्ट्स मिले हैं वो हालांकि अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक ठाक से हैं। कलर हमें ग्रीन मिला है, तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे Amazon पे शायद आपको ऑरेंज या पिंक कलर भी मिल सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। अगर इसका डायमीटर गिन ले तो करीब करीब 6 इंच तक का आपको डायमीटर मिलता है। ऊपर अंडों को उबालते वक्त ढकने के लिए ढक्कन दिया गया है। ट्रे दिया गया है जिसमें कि आप 7 अंडे रख सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ और ट्रेज आते हैं जिसमें सिर्फ 5 अंडे रख सकते हैं आप, तो इस पे 7 रख सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो ये ट्रे जो है ये इस तरीके से जाएगा इस पैन के ऊपर, और फिर ऊपर से आपको इस तरीके से ढकना होगा इसे। साथ में ये कप भी दिया गया है, तो इस कप का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। निचली बाजू हवा पास होने के लिए एयर वेंट्स दिए गए हैं। रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर 350 वॉट्स मेंशन्ड है। रेटेड कैपेसिटी 1 से लेके 14 अंडे यहाँ पे दिया गया है। और नीचे बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि डू नॉट इमर्ज इन वाटर, यानी कि इसे नॉर्मल तवे की तरह आप धो नहीं सकते, डायरेक्टली पानी में डाल के या नलके के नीचे पकड़ के इसे धो नहीं सकते। ये एक इलेक्ट्रिक तवा है, तो इसे कैसे साफ किया जाता है ये भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी इसे इस्तेमाल करके देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। जितने आप अंडे उबालने वाले हैं उतना अंदाजे से पानी लीजिए। मैंने भी अंदाजे से पानी लिया हुआ है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, इस कप के बॉटम में एक नीडल जैसा कुछ आपको मिलेगा, इसे इस्तेमाल करके आपको किसी एक अंडे में छेद करना है, कुछ इस तरीके से। ऐसा करते समय ध्यान रखिए आपका अंडा फूट भी सकता है, ज्यादा जोर ना लगाएं। अब इस अंडे को ऐसे ही रखेंगे, ये हमें क्यों करना पड़ा ये आगे बताऊंगा आपको। अब आपको इस ट्रे को इस पैन पर रख लेना है और सभी अंडे अरेंज कर लेने हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप 7 अंडे रख सकते हैं एक समय पे। पैन चालू करने पे आपको यहां पे लाल कलर का इंडिकेशन लाइट दिखेगा। जिस अंडे में हमने होल किया था उसमें से आप देख सकते हो जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है वो क्रैक्स में से बाहर आना शुरू हो चुका है। तो ये पोर्शन जब भी पूरी तरह से बॉइल्ड हमें दिखेगा, मतलब आप समझ सकते हो कि बाकी सभी अंडे भी बॉइल हो चुके होंगे। पैन के लिड पर यहाँ पर 2 होल दिए गए हैं, तो उसमें से भी स्टीम आती हुई दिख रही है हमें। अभी करीब करीब 15 मिनट हो चुके हैं और इंस्ट्रक्शन मैनुअल के हिसाब से ये जो लाइट है वो ऑफ नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग खोल के देखने वाले हैं। बस केयरफुल रहिए क्योंकि ये जो स्टीम यहाँ से आती है उससे आपका हाथ जल सकता है। अभी मुझे थोड़ा सा चटका लगा। इसको एक बार खोल लेते हैं, और ये वाला जो अंडा था वो आप देख सकते हो फूट चुका है। अगर एक प्रॉपर होल हुआ होता तो एक जगह से सिर्फ ये जो अंडा है वो रिश्ता और आपको पता चलता कि ये बॉइल्ड है। तो अभी आप देख सकते हो कि बॉइल्ड हो चुका है। तो बाकी भी ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से बॉइल हुआ है। काट कर भी देख लेंगे कि अंदर का जो येलो पोर्शन है वो किस तरीके से पका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंडा बहुत ही अच्छी तरीके से बॉइल हो चुका है, पर ये जो इंडिकेशन था वो परफेक्ट था। तो अगर ये पक जाए इसका मतलब बाकी अंडे भी पक चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ऑमलेट बना के। जो नॉन स्टिक सर्फेस है वो इतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता, ये हमने ऑब्जर्व किया है। आप देख सकते हैं एक साइड से ये अंडा जो है वो चिपक चुका है, और इसमें किसी तरह का पावर नॉब भी नहीं है जिससे कि आप पावर रेगुलेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने पर वो ऑफ हो जाता है और फिर वापस कुछ समय बाद ऑन हो जाता है, तो इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अंडा उबालना जितना आसान था उतना ही ऑमलेट बनाना मुश्किल है इस तवे पर। आप देख सकते हो काफ़ी दिक्कत हो रही है और पूरी तरीके से जो ऑमलेट है वो नीचे चिपक चुका है, और इतना ही मुश्किल होगा अब इस चीज़ को साफ करना। अब ब्रेड सेकते समय भी देखिए जो ऑरेंज लाइट है वो ऑटोमेटिकली जा चुका है, तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। पर कुछ समय बाद टेक्निकली इस चीज़ को शुरू होना चाहिए, पर काफ़ी समय लेता है ये शुरू होने में, तो काफ़ी समय आपका ज़ाया हो सकता है ब्रेड गर्म करते समय भी। तो दोस्तों ये है आखिरी रिजल्ट। तो सबसे पहले हमने बनाए उबले हुए अंडे जो कि बहुत ही अच्छे बने हैं, उसके बाद हमने बनाया ऑमलेट जिसकी हालत खराब है, और जो टोस्ट हमने किया है ब्रेड को वो भी इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। इसे साफ करने के लिए आप गीला कपड़ा या गीले टिश्यू का इस्तेमाल करिए। इलेक्ट्रिक होने के कारण पूरी तरीके से इसे पानी में नहीं भिगो सकते, पर साबुन का पानी बना के गीला कपड़ा इस्तेमाल करके आप इसे साफ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये काफी आसानी से साफ भी हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर फैमिली में से कई सारे बैचलर्स ने मुझसे कहा था कि इंडक्शन चूल्हे का या फिर इस तरीके के इलेक्ट्रिक पैन का रिव्यू करिए, तो इसका रिव्यू आपके सामने है। अंडे उबालने में मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसे अंडे उबालने के लिए मेरे ऑफिस में भी पर्सनली इस्तेमाल करने वाला हूँ, पर ऑमलेट बनाते समय मैं इतना संतुष्ट नहीं था क्योंकि इसके ऊपर वाली जो नॉन स्टिक कोटिंग है वो इतने अच्छी तरीके से काम नहीं करती। उसके अलावा ब्रेड टोस्ट करते समय मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इसकी पावर है वो बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। तो जब इस पैन में पानी भरा हुआ होता है तो ये कंटिन्यूसली ऑन होता है, पर जब भी पानी ना हो तभी ये ऑन ऑफ होता है। तो अब चॉइस आपकी है। अगर आप एक इंडक्शन खरीदे तो उसके लिए आपको अलग बर्तन खरीदने पड़ते हैं। वैसे एक इंडक्शन चूल्हे का बहुत पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो चाहिए तो आपको आई बटन में दे दूंगा। पुराना यूआईसी कैसा था वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है या नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। फिर से कहता हूँ, अंडे उबालने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं प्रसाद विद्यापाठक आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड, यू डोंट बाय। बाय बाय।